झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए पर राजनीति तेज है। इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं बल्कि बीजेपी के कई सांसद और विधायकों ने घुसपैठ किया है। इरफान के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। झारखंड में जैसे ही बीजेपी के नेताओं की तरफ से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी के नेताओं पर ही निशाना साधा है। इरफान ने कहा है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है बल्कि कई सांसद और विधायक ने घुसपैठ कर लिया है। सबसे बड़ा घुसपैठ बांग्लादेशी नहीं है, ठीक है, बीजेपी के लोग हैं, संजय सेठ, प्रकाश, सीपी, डीपी, भानु, निशी, ये घुसपैठ है, ठीक है, ये लोग बाहर के लोग आए हैं। इधर जैसे ही इरफान अंसारी ने बीजेपी के कुछ नेताओं को लेकर घुसपैठिया होने का बयान दिया, बीजेपी ने राज्य की सरकार के साथ साथ इस बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि जिस तरीके से राज्य के संथाल परगना इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है, इससे यहां के सत्ताधारी दल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सिस्टमेटिक तरीके से एक पॉलिटिकल क्लास ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के तहत बांग्लादेशी घुसपैठियों को ना सिर्फ बसाया बल्कि उनका वोटर कार्ड और आई कार्ड बनवाया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट कह रही है जो जून में जारी हुई थी, सभी जिला उपायुक्तों को भेजी गई थी, एसपीज को भेजी गई थी और कहा गया था कि संथाल परगना एवं अन्य इलाकों में मदरसों में लाकर बसाया जाता है बांग्लादेशी घुसपैठियों को और वहां से उनको आई कार्ड बनाया जाता है, उनको बसाया जाता है। तो ये सरकार में तो स्थानीय मुसलमान सौतेले बेटे की तरह हैं और बांग्लादेशी मुसलमान इनके लिए दामाद की भूमिका में है, क्योंकि जैसे ही आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ बसाएंगे और उनके कार्ड, वोटर कार्ड, आई कार्ड को बनवाएंगे तो उसके बाद तो ये अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं को भी टकारेंगे, यानी स्थानीय मुसलमान का हक मारेंगे। तो ये एक आंख में काजल एक आंख में क्या, ये तो कुछ छिपा नहीं। वैसे तो झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर लंबे समय से विवाद जारी है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से बीजेपी ने राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं, उससे साफ है कि आने वाले समय में इस मामले को गंभीरता से देखा जाएगा। लेकिन इस तरह के मामलों को सिर्फ राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं कर राजहित और देश हित के रूप में देखा जाना चाहिए। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन कौशल के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।